Hello, what's up guys, my name is Piral. In this lecture, we'll learn comparison operator in our PHP. जी हाँ guys, इस lecture में हम cover करेंगे comparison operator को, तो चलिए guys, शुरू करते हैं. First of all guys, मैं slide पे आऊँ, तो guys, last lecture हमने cover किया था असाइनमेंट ऑपरेटर को, ओके. और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कंपैरिजन को, ओके. तो दिस ऑपरेटर आउटपुट गिव अस इन द फॉर्म ऑफ ट्रू फॉल्स. तो गाइस, जो भी रिजल्ट हमें मिलेगा ट्रू फॉल्स में मिलेगा कंपैरिजन ऑपरेटर में, ओके. तो सबसे पहले है इक्वल टू, इक्वल टू, ओके. और नॉट इक्वल, हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट, ओके. और नॉट इक्वल इक्वल, और इसके ग्रेटर है और ये लेस देन है, और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर इक्वल टू, ठीक है. तो इनको हम सबको हम वन बाय वन हम देखेंगे, ओके. तो मैं आता हूँ एडिटर पे, और गाइस मैंने लेक्चर नंबर 10 के नेम से एक फोल्डर क्रिएट किया है और इसमें एक फाइल क्रिएट किया है index.php के नेम से, ओके. तो यहाँ पर अब मैं ऐसे करता हूँ, php का जो टैग वो स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं डॉलर n के नेम से, n1 के नेम से, और उसके अंदर हम कुछ भी हम वैल्यू रखते हैं. जैसे कि लेट्स से मैं कहता हूँ 10, ओके. और इसमें हम रखते हैं डॉलर एंड टू में हम रखते हैं 20, ओके. तो अब यहाँ पर मैं एक बिल्ट इन जो फंक्शन है गाइस वो यूज़ करेंगे वार डम के नेम से, ठीक है. इस बिल्ट इन फंक्शन को हम यूज़ करेंगे, ठीक है, ओके. तो अब यहाँ पर अगर मैं ये कंपैरिजन करूँ इसका, जैसे कि डॉलर एंड वन जो है वो इक्वल, यानी इक्वलिटी को चेक हो रही है. यहाँ क्या चेक हो रही है? इक्वलिटी, ठीक है. तो यहाँ पर डॉलर एंड टू, ओके, सेव, कि ये दोनों इक्वल हैं क्या, इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, 10 20 के इक्वल है, अभी के लिए नहीं है. अगर मैं इसको सेव करूं, और मैंने गाइस जैम में ऑलरेडी को स्टार्ट किया हुआ है, ओके. और यहां पर लिखता हूं लोकल होस्ट, ओके, लोकल होस्ट. और यहां पर हम ऐसे करते हैं पीएचपी के अंदर हमारा लेक्चर नंबर है 10, ओके, लेक्चर नंबर 10 है, और उसके अंदर हमारा एक फाइल है index.php, ठीक है. तो देखें, अभी के लिए जो वैल्यू आपको मिलता है बूलियन वैल्यू मिलती है, मीन कि गाइस बूलियन आपको ट्रू फॉल्स प्रोवाइड करती है, या तो वैल्यू हमारी ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, ओके. तो अब हमें क्या मिला है? फॉल्स, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है. अगर मैं यहाँ पर भी कर दूँ 10, और अब देखें n1 n2 दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं, या दोनों इक्वल हैं. तो अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आंसर आता है ट्रू, ओके. तो नेक्स्ट अब जो है हमारे पास, अब हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल इक्वल. अब जैसे कि ट्रिपल इक्वल जो है गाइस, ये क्या काम करता है? अब लेट्स से कि जैसे कि ये जो डबल इक्वल जो है ना गाइस, ये तो चेक करता है कि क्या आपकी वैल्यू बराबर है, क्या n1 के अंदर भी 10 है, क्या n2 के अंदर भी 10 है, ओके. अगर तो है तो हो जाता है ट्रू, ओके. और ये थर्ड जो इक्वल है, ये चेक करता है डेटा टाइप को, ठीक है, क्या दोनों की डेटा टाइप सेम है, मीन के दोनों इंटीजर हैं, ठीक है, या नहीं है, ओके. अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो अभी के लिए जो आपको आंसर मिलने वाला है वो है ट्रू, तो ट्रू मिल गया, ओके. तो अब अगर मैं यहाँ पर देखें, इसको मैं अगर कर देता हूँ स्ट्रिंग में कर देता हूँ, ओके, सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो देखें अब क्या मिलने वाला आपको, फॉल्स, क्योंकि डाटा टाइप क्या हो गई है, चेंज हो गई है, तो इसलिए आपको ये फॉल्स शो कर रहा है. अगर मैं इसको अंडू करूँ, सेव करूँ और फिर रिफ्रेश करूँ, तो अब देखें आपको मिलने वाला है ट्रू, ओके. तो नेक्स्ट अगर मैं स्लाइड पे आऊँ, और यहाँ पर देखे हैं नॉट इक्वल. अब नॉट इक्वल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? अब यहाँ पर सिंपल, अगर मैं ये दो इक्वल ख़त्म कर दूँ, और ये एक्सक्लेमेशन का मार्क्स है, इसको हम बोलते हैं नॉट, ठीक है. और ये है हमारे पास इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल, यानी कि n1 जो है वो नॉट इक्वल टू n2, क्या ये ट्रू है? अब देखिए दोनों बराबर हैं, लेकिन ये कंडीशन क्या होगी हमारी, फॉल्स होगी है. तो आंसर क्या आने वाला है? फॉल्स आने वाला है. अगर दोनों को मैं कर दूं, ये चेंज कर दूं, इसको 11 कर दूं, इसको 10 कर दूं, तो अब आंसर क्या आने वाला है? ट्रू आने वाला है, ओके. तो अब क्या है आंसर? ट्रू. तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर, अब ट्रिपल इक्वल की कैसे बात करेंगे? अब मैंने बताया कि ट्रिपल इक्वल जो है वो डाटा टाइप को चेक करता है, क्या दोनों के डाटा टाइप सेम है. अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ इक्वल, ओके, अगर सेव करूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें आपको आंसर ट्रू मिलने वाला है, ओके. तो इसी तरीके से गाइस नेक्स्ट जो है हमारे पास, आप नॉट इक्वल को इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं, ओके. अगर मैं आपको इसको रिमूव कर दूं यहाँ से,
आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर और देखें तो ट्रू आंसर आने वाला है, क्योंकि दोनों क्या हैं, डिफरेंट है। ओके, तो नेक्स्ट जो है गाइज वो है हमारे पास ग्रेटर देन लेस देन। अब इनको हम कैसे यूज़ करेंगे? अब इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पर देखें, अगर मैं लेस देन करता हूँ, ओके शिफ्ट और ये सेव, ओके तो अगर एन वन, एन वन में क्या है, अलेवन है, क्या अलेवन लेस देन है एन टू से? ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ना, ओके ये रॉन्ग है, क्योंकि अलेवन छोटा नहीं हो सकता टेन से। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पर तो देखें फॉल्स। ओके, अगर मैं इसको कर देता हूँ नाइन, और क्या नाइन लेस देन है टेन से? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कंडीशन ट्रू होगी और आंसर क्या है, ट्रू आया। ओके, इसी तरीके से अब यहाँ पर अगर मैं ग्रेटर देन कर देता हूँ, क्या नाइन ग्रेटर है टेन से? कभी भी नहीं हो सकता। अगर रिफ़्रेश करूँ तो देखें फॉल्स आने वाला है। इसी तरीके से अगर मैं 90 कर दूं, क्या 90 ग्रेटर है 10 से? बिल्कुल। अब आंसर क्या आएगा आपके पास, ट्रू आएगा। तो इस तरीके से आप लेस देन एंड ग्रेटर देन का आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। इसी तरीके से गाइज नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल, तो इसको हम कैसे हम करेंगे? अब देखें क्या, अब एक कंडीशन तो हमारी ट्रू होती है कि 90 जो है वो ग्रेटर है किससे, 10 से। ये तो कंडीशन हमारी बिल्कुल ट्रू है। अगर मैं रिफ़्रेश करूं तो आंसर आने वाला है ट्रू। तो एक कंडीशन मस्ट है कि ट्रू हो जाए, या तो इक्वल हो या तो ग्रेटर हो। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, अगर 10 कर देता हूँ तो भी क्या आने वाला है आपके पास, रिफ़्रेश करता हूँ तो भी ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ कि लेस देन कर देता हूँ, 9 कर देता हूँ, अब क्या है, 9 लेस देन है। ठीक है, ओके अगर रिफ्रेश करूँ यहाँ पर तो देखें फॉल्स आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आपने इसको या तो इक्वल हो या इससे ग्रेटर हो, 10 के बराबर हो या 10 से ग्रेटर हो, तो ही आपका ये ट्रू आने वाला है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है लेस देन इक्वल टू। अब वैल्यू क्या हो, लेस देन हो 10 से या इक्वल हो, तो अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर तो आपको क्या शो होने वाला है, बोल ट्रू। अब ट्रू शो होगा। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 11,